स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी के लिए समूह की नई अपडेट लेकर आ गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको समूह की बिल्कुल नई अपडेट बताने वाले हैं। तो अपडेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अपडेट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे कि राशन उठान जो समूह की दीदी करती हैं उनके लिए भी अपडेट है, और समूह में एक नए रोजगार के लिए भी अपडेट है जिसमें समूहों का चयन किया जाएगा, और इसके अलावा और भी अपडेट है। चलिए मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है नई जानकारी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि समूह को रोजगार जो नया मिलने वाला है उसमें समूह का चयन किस कार्य के लिए होने वाला है वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो एंड तक देखने के साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस देखने को मिलती रहे, नई नई अपडेट आपको देखने को मिलती रहे। कुछ लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के ऑल पर घंटी के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच पाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंड को लेकर के। तो CDO सौम्या पांडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, और बैठक में समूह के गठन इसको लेकर बातचीत हुई है, रिवॉल्विंग फंड RF को लेकर बात की गई है, CIF फंड यानी कि जो सामुदायिक निवेश निधि होती है उसकी बात की गई है, और CCL जो बैंक से होता है कैश क्रेडिट लिंकेड उसको लेकर के बात की गई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आजीविका वृद्धि को लेकर उनके रोजगार के चयन पर चर्चा भी की गई है। तो ये सारे बिंदु पर चर्चा हुई है, समीक्षा बैठक हुई है समूहों को लेकर के। इस बैठक में कई बिंदु पर चर्चा हुई है, और इस बैठक के बाद समूहों के जो ब्लॉक स्तर पर BMM की भी बैठक हुई है उस पर भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आने वाली हूँ। उस बैठक में क्या क्या बिंदु रखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। अभी आगे की अब जानकारी देख लीजिए। सभी जिला मिशन प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के समूह गठन पर विशेष जोर देते हुए लक्ष्यों के सापेक्ष 100% पूर्ति शीघ्र सुनिश्चित करें। महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने की रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर ड्राई राशन फीडिंग पूर्ण करने के साथ स्वयं सहायता समूह द्वारा ड्राई राशन का समय से CDPO गोदाम से उठान कराकर आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराएं। तो यहाँ पर देखिए राशन उठान को लेकर आप सभी के ये प्रश्न थे कि मानदेय नहीं मिल पा रहा है, जबकि राशन उठान का मानदेय आया था, कुछ पैसा कुछ महीनों का आया था, और अभी 6 महीनों का पैसा आने वाला है, पैसा जारी हो गया है, शीघ्र ही 6-6 महीने का पैसा और आएगा। आप थोड़ा जो है जानकारी करें अपने बारे में भी कि आप राशन का उठान अगर समूह आपका करता है तो वो फीड है पोर्टल पर, अगर फीड है पोर्टल पर आपके समूह का नाम राशन उठान में फीड है पोर्टल पर तो आपके समूह में पैसा आएगा। अगर पोर्टल पर फीड नहीं है तो आप राशन उठान कर भी रहे तो आपके पास पैसा शायद ना भी पहुँच पाए। तो आप एक बार जानकारी कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है कहीं आपका, अगर राशन उठान के कार्य में आपका समूह पोर्टल पर फीड है उस कार्य के लिए, तभी आपके खाते में समूह के खाते में डायरेक्शन का पैसा आएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको स्वयं से बनानी पड़ेगी, जानकारी करनी पड़ेगी। इसी के साथ में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी है कि स्वयं सहायता समूहों का चयन किया जाना है, किस कार्य के लिए किया जाना, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो गोबर के लट्ठे बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों का चयन जल्द किया जाए। गोबर के लट्ठे आप लोग जैसे उपले कंडे जो भी कहे जाते हैं गांव में गोबर के आप लोग बनाती हैं, तो अब ये गोबर का जो है वो लट्ठे बनाए जाएंगे। लकड़ी, गोबर की लकड़ी मशीन से बनाई जाती है, उसमें डाला जाता है और निकलता है पूरा पूरा लट्ठा। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह का चयन गोबर के लट्ठे बनाने के लिए किया जाने वाला है। तो जहाँ जहाँ ये जो गोबर का कार्य होता है बनाने का, वहाँ से समूहों का चयन किया जाएगा। अगर आप भी इस तरह के कार्य करती तो अपने ब्लॉक से संपर्क जरूर बनाइएगा, जैसे ही वहाँ पर इस तरह का कार्य आए तुरंत आप इसमें आवेदन कर सकती हैं। तो ये जो है एक कार्य है जो कि समूह की दीदियों को मिलेगा, इसमें मशीन वगैरह होती है गोबर के लट्ठे बनाने के लिए, वो सब भी मिलेंगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी 2023 की है जो मैं आप सभी को अपडेट बता रही हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलती है। मेरा प्रयास रहता है लगातार कि मैं आप सभी को नई नई अपडेट समूह से रिलेटेड देती रहूँ। तो आप जो है देख सकते हैं, टाइमिंग से पता कर सकते हैं, मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी जो भी नई अपडेट आएगी।
तो यहाँ पर देखिएगा कि ये तो समूह का चयन करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि गोबर के लट्ठे बनाने के लिए समूह का चयन होगा। उसके साथ ही 20 सखियों को समूह से जोड़ने के साथ साड़ी वितरण के निर्देश भी दिए हैं। कुछ 20 सखियाँ जो भी चयनित हुई हैं, जिनका भी ट्रेनिंग नया हुआ होगा, उनका साड़ी वितरण और जो भी कार्य है वो यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। विभिन्न ब्लाकों के BDO समेत ब्लाकों के BMM ने प्रतिभाग किया है यहाँ पर जो है मीटिंग में, समीक्षा बैठक में, और यहाँ पर आदेश निर्देश दिए गए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट निकल कर आ रही UP में, तो मैंने आप सभी को बता दी है जिससे कि आप लोगों को इससे जानकारी मिल जाए, हेल्प मिल जाए मेरी इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो से आपको ज़रा भी जानकारी मिली है तो आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आप आए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, ज़रूर से कर लीजिएगा। घंटी के बटन को दबा के सबसे ऊपर ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको सारी वीडियो हमारी देखने को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।